हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा बुटीक पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पैन की मोहरी का एक सुंदर सा डिज़ाइन। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने पैन के आगे और पीछे वाले पल्ले को स्टिच कर लिया है यहाँ सेंटर से। बस अब हमें मोहरी बनानी है यहाँ पे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोहरी का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। इसके लिए हमें एक पेस्टिंग पेपर का पीस चाहिए। ये हमारा 12 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा है। इसे हमें इस तरह से बीच से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक पान शेप में डिज़ाइन ड्रॉ करना है। फिर एक स्ट्रिप लेनी है 4 इंच चौड़ी और लंबाई आपके पैन की मोहरी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इस तरह से मैंने थोड़ी बड़ी ली है। इसको बनाने के बाद मैं इसे कट कर दूंगी। अब यहाँ से जहाँ पे आपकी स्टिच है वहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो पान का शेप ड्रॉ किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये देखिए, ये मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हमें इसे सेंटर से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सुई में से धागे को निकाल करके यहाँ पे स्टिच लगाना है। बिना धागे के सुई चलाने से इसका जो निडल पॉइंट का वो होल होता है वो पीछे साइड में आ जाएगा, तो हमारा डिज़ाइन जो है दोनों साइड सेम हो जाएगा। इस तरह से हम इस पे चौक का निशान लगा करके डार्क कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ पैन के मोहरी का डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। पूरी पैन की इस कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं पहले भी अपने चैनल पे डाल रखी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हमें अपनी पैन की आगे पीछे वाले पल्ले को जो हमने जोड़ा था इस तरह से यहाँ पर सेंटर पर सेंटर लाइन पर इस तरह से रखते हुए हमें इसको स्टिच करना है यहाँ पर। सीधी तरफ हमें रखनी है स्ट्रिप को पेस्टिंग की और इस तरह से हमें पूरी लाइन पे स्टिच कर लेना है। ध्यान रखना है हमें कि हमारा जो डिज़ाइन है, जो पान का शेप है, वो सीधा आए, तिरछा ना हो। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे पिन से इसको पहले फिक्स कर लीजिए या सुई धागे से कच्चा कर लीजिए हाथ से, उसके बाद इस पे स्टिच चलाइए। इस तरह से हमें पूरी लाइंस पे स्टिच चला लेनी है। ये मैंने पूरे शेप पर स्टिच चला लिया है। अब हम मशीन में से कपड़े को निकालेंगे, धागे वगैरह को कट कर लेंगे। अब हमें इसे इस तरह से बीच से फोल्ड करके यहाँ पे कट लगाना है और इसके बाद इतनी ही दूरी पे हमें इसी शेप में इसे कट कर लेना है और इस बीच सेंटर वाले पार्ट को कट करके निकाल देना है। अब इस तरह से कॉर्नर वाले भाग को और प्लस पूरे राउंड वाले भाग को हमें कट करते जाना है। ध्यान रखना है हमारी स्टिचिंग जो चली हुई है वो कट नहीं होनी चाहिए, स्टिचिंग के बाहर बाहर हमें इसे कट करना है। इस तरह से सारे शेप भी कट कर लेना है। इसके बाद हमें इसे अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करना है, अंदर की ओर ऐसे इंसर्ट करते हुए हमें पीछे की ओर इस पेस्टिंग के वाले कपड़े को ले जाना है। अब इसे हमें इस तरह से खींचते हुए यहाँ पे प्रेस चला लेना है ताकि हमारा डिज़ाइन बैठ जाए अच्छे से।
ये देखिए, ये मैंने प्रेस कर लिया है। इस तरह से हमारा ये शेप उभर के आया है। अब हमें इस तरह की स्ट्रिप चाहिए सेम कपड़े की, और फिर हमें यहाँ पे इसे एकदम नीचे साइड में स्टिच करना है। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमें इसे यहाँ पे अटैच कर लेना है स्ट्रिप को। अब हम यहाँ पे इसे नीचे की ओर फोल्ड करके यहाँ पे एक टॉप सिम लगाएंगे। अब हमें इसे अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करते हुए पीछे पलट देना है ताकि हमारे पैन के बॉटम में फिनिशिंग हो जाए। अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हमें इसे यहाँ पे दबा देना है स्टिच करके। हमें ये बड़े टाके की सिलाई लगानी है, यहाँ पे हम हेमिंग करेंगे। और अब हमें यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पेस्टिंग के बाहर का, इसे इस तरह से यहाँ फोल्ड करना है और इसे यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ये भी हम बड़े टाके की स्टिचिंग चलाएंगे यहाँ पे और बाद में यहाँ पे हेमिंग करेंगे। बहुत ही सुंदर बनके तैयार होने वाला है ये डिजाइन पैंट का। इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और यहाँ पे हम हेमिंग कर लेंगे। अब हमें इस डिज़ाइन को और सुंदर बनाने के लिए ऐसा एक रेक्टेंगल पीस चाहिए। 4x4 इंच का ये पीस है, इसको बीच से फोल्ड इस तरह से करेंगे और यहाँ सिलाई करेंगे। देखिए किस तरह से हमें यहाँ सिलना है इसको। इस तरह से यहाँ पे घुमाते हुए यहाँ तक स्टिच करेंगे और फिर यहाँ पे स्टिच थोड़ी दूर नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और फिर यहाँ से हम स्टिच करते हुए इसे इस शेप को पूरा करेंगे। अब हमें इसे पलट लेना है। किसी पॉइंटेड चीज की हेल्प से आप इसे पलट लीजिए इस तरह से। हम इसके चारों कॉर्नर्स को बाहर निकालेंगे। इस तरह से हमें चारों कॉर्नर्स को बाहर निकाल लेना है और एक रेक्टेंगल पीस तैयार कर लेना है। अब हम सेम फैब्रिक का एक स्ट्रिप लेंगे। ये हमारा 1.5 इंच चौड़ा और 12 इंच लंबा है। इस तरह से हमें इसे बीच से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है इस तरह से एल शेप में। इस तरह से हमें इस पे सिलाई लगा करके एक स्ट्रिप तैयार करनी है। अब हमें इसे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से पलट लेना है। इस तरह से हमें इसे पलट लिया है। कॉर्नर को बाहर निकालेंगे और इस पे प्रेस लगाएंगे। ये दोनों पीसेस पे हम प्रेस लगा लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने प्रेस लगा लिया है इस पे और इस पे भी।
अब हमें चाहिए निडल और थ्रेड। ये रेक्टेंगल वाले पीस में हमें सेंटर से यहाँ पे स्टिच करना है इसको हैंड निडल की हेल्प से। इस तरह से हमें यहाँ पे सुई को इंसर्ट करते हुए स्टिच लगाना है और इस तरह से हमें इसे यहाँ पे टाई कर लेना है और इस तरह से धागे को राउंड घुमाते हुए यहाँ पे इसे फिक्स करना है। यहाँ पे हम इसे गांठ दे करके बांध लेंगे, धागे को कट कर लेंगे और फिर हमने ये जो स्ट्रिप बनाई है इसको हम यहाँ पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इस तरह से फिक्स करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हम जो ये सेंटर से सिलाई किए हुए हैं यहाँ पे ये बराबर से दोनों पार्ट आना चाहिए, छोटा बड़ा होगा तो वो सुंदर नहीं लगेगा। इस तरह से हमें यहाँ पे बो बनाना है। इसे हमें अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर लेना है। ये हमारा एक मोहरी का बो बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी मोहरी के लिए भी सेम प्रोसेस में बो बना लेंगे। बो के स्ट्रिप को मैंने एक छोटा एक बड़ा रखा है, आप चाहे तो इसे बराबर भी रख सकते हैं। इस तरह से हम दोनों पीसेस को तैयार कर लेंगे और फिर अपनी पैंट में जो मैंने शेप बनाया था उसमें अटैच कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया है। इस तरह से हमारा ये पैंट का मोहरी का डिज़ाइन बनके रेडी है। आप चाहें तो बो को किसी कंट्रास्ट कलर में भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। Thanks for watching.